नमस्कार, जोहार। मैं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप पर हमारा खास कार्यक्रम सीट स्कैनर। कोडरमा के झुमरी तलैया में बने बांध के पास के नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं, तो वहीं अभ्रक नगरी के तौर पर कोडरमा काफी प्रसिद्ध है। देश का पहला सैनिक स्कूल कोडरमा के तलैया में ही स्थापित हुआ था। अब झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी भी काफी तेज हो चुकी है। आज हमारे खास प्रोग्राम सीट स्कैनर में हम स्कैन करेंगे कोडरमा विधानसभा सीट को। अभ्रक खनन के दुनिया भर में कोडरमा जिला काफी प्रसिद्ध रहा है और इसी तरह राजनीति में भी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चित है। 6 विधानसभा क्षेत्र वाला कोडरमा लोकसभा सीट कोडरमा जिला समेत हजारीबाग गिरिडीह जिले के कुछ इलाकों को मिलाकर बना है। इस संसदीय क्षेत्र में कोडरमा, बरकट्टा, धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कोडरमा लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो इसका गठन 1977 में हुआ था। फिलहाल इस सीट से सांसद बनी अन्नपूर्णा देवी मोदी सरकार में मंत्री हैं। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने के बाद ये सीट भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। कोडरमा आज जेडी का गढ़ रहा है। कोडरमा की राजनीति में आम चुनाव के समय उस समय भूचाल आ गया था जब आरजेडी की प्रदेश प्रमुख अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। अन्नपूर्णा देवी के पति स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनके निधन के बाद अन्नपूर्णा देवी पर घर परिवार के साथ राजनीतिक विरासत को संभालने की चुनौती भी उनके सामने थी। उसके बाद कोडरमा में हुए उपचुनाव में अन्नपूर्णा देवी पहली बार चुनाव लड़ी और यहां से विधायक बनी। एक साल बाद ही विधानसभा के चुनाव में वापस से दूसरी बार जीतकर बिहार में खान भूतत्व राज्य मंत्री बन गई। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनने के बाद सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही अन्नपूर्णा देवी सत्ता से अलग होकर केवल विधायक बनकर रह गई। 2000 के विधानसभा चुनाव में राजद के अन्नपूर्णा देवी का मुकाबला बीजेपी से विजय कुमार साल और जेवीएम से रमेश सिंह के बीच और अन्नपूर्णा देवी के बीच था। ऐसे में साल 1998 का विधानसभा उपचुनाव, साल 2000 और 2005 और 2009 का विधानसभा चुनाव लगातार कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से अन्नपूर्णा देवी जीतती रहीं। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी प्रबल दावेदार रहीं। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में राजद ने अन्नपूर्णा देवी को चुनावी मैदान में उतारा तो उन्हें टक्कर देने के लिए चुनावी रण में बीजेपी से लालसा सिंह तो वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे साजिद हुसैन थे, पर अन्नपूर्णा देवी ने दूसरे स्थान पर रहे साजिद हुसैन को 26,454 वोटों के अंतर से हार का सामना कराया था। 2009 के विधानसभा चुनाव में लगातार कोडरमा से विधायक रही अन्नपूर्णा देवी मैदान में थी तो वहीं बीजेपी से विजय कुमार साव और जेवीएम से रमेश सिंह और जेएमएम से रमेश रे मैदान पे थे। इस बार भी कोडरमा की जनता के दिलों पर राज करने वाली अन्नपूर्णा देवी को जनता का भरपूर प्यार मिला और फिर से अन्नपूर्णा देवी यहां से विधायक बन गई। 2014 के विधानसभा चुनाव में यादवों को साधने के लिए बीजेपी ने डॉक्टर नीरा यादव को टिकट दिया तो वहीं राजद से एक बार फिर से अन्नपूर्णा देवी उन्हें टक्कर दे रही थी और जेवीएम से भीम साहू चुनाव में थे। पर इस बार बदलाव की बयार के साथ नरेंद्र मोदी की लहर भी थी, लेकिन इस बार कोडरमा सीट राजद के हाथ से फिसलकर बीजेपी के खाते में चली गई और यहां बीजेपी से नीरा यादव 13,525 वोट के अंतर से चुनाव जीत जाती हैं। लंबे समय से कोडरमा राजद का गढ़ माना जाता रहा है, यहां यादवों की संख्या ज्यादा है, लेकिन 2014 में कोडरमा भाजपा के पास थी। भाजपा चाहती थी कि ये सीट भाजपा के पास बरकरार रहे। भाजपा ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में ही अन्नपूर्णा देवी को अपने पाले में कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गई अन्नपूर्णा देवी। ऐसे में 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतकर केंद्रीय राज्य मंत्री बनी। अब दूसरी बार जीत मिलने के बाद उन्हें फिर कैबिनेट में मौका दिया गया है तो वहीं नीरा यादव के लिए रास्ता साफ हो गया और चुनौती भी कम थी। एक बार फिर से नीरा यादव इस सीट से विधायक बन जाती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमिताभ कुमार को करारी शिकस्त दी थी। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर नीरा यादव ने जीत दर्ज की थी। बहरहाल 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार भी यहां मुकाबला देखना दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी हर हाल में अपनी इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी तो वहीं इंडी गठबंधन के तहत यह सीट अगर राजद के खाते में जाती है तो यहां MY समीकरण अपने पाले में करने की कोशिश दोनों के तरफ से होगी।